हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ पुलाव। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। मेरी रेसिपी कैसी लगेगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले इसमें मैं घी ऐड कर देती हूँ, 2 से 3 चम्मच। पुलाव बनाने के लिए घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसमें मैं पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे थोड़ा सा तल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देते हैं। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, कुछ खड़ा मसाला है जैसे जावित्री, लौंग, इलायची, सब इसको डाल दिए। तेजपत्ता है 3 से 4। ये चावल है पुलाव वाला, जिसे हमने धो के थोड़ा सा फुला लिए हैं, अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा सा चला देते हैं। इसे 1 मिनट के लिए भून लिए हैं, इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। और इसमें हम पानी डाल देते हैं, जितना चावल लिए हैं उतना ही हमको पानी डालना है। जैसे आप 1 गिलास ही चावल ले रहे हैं तो आप पानी 1 ही गिलास ही डालिए। आप जिस चीज़ से ले रहे हैं उसी का नाप रखिए। हम इसमें 4 गिलास ही चावल लिए थे तो इसमें 4 गिलास ही पानी ऐड कर देते हैं। इसे मिला देते हैं ठीक से। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स निकाले थे तल के, उसे इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने देंगे। एक सीटी लग चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब पुलाव को चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, देख लीजिए, बहुत अच्छा बना है, खिला खिला है। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।